रायसिंह नगर में नए न्यायालय परिसर भवन के निर्माण को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधिपति विनीत माथुर ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। इस दौरान उनके आगमन पर बार संघ व स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस टुकड़ी ने न्यायाधिपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश, जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वे पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर न्यायाधिपति कल शाम को ही रायसिंह नगर पहुंच गए थे। मिनी सचिवालय के नज़दीक करीब 14 करोड़ की लागत से रायसिंह नगर में नया न्यायालय परिसर भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें न्यायालय से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। रामनवमी के इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ और आज के इस शिलान्यास के फंक्शन के ऊपर मुखिया जी को और इनकी पूरी टीम को और गंगानगर जजशिप की पूरी अधिकारीगण को, न्यायिक अधिकारीगण और यहाँ की समस्त जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके लिए एक बहुत ही पावन दिवस है आज। और आज इस शुभ मुहूर्त में आज जो भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा वो यहाँ की जनता के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन सिद्ध होगा और जन जन तक जो हमारे कार्य हैं वो पहुंचाए जाएंगे और यहाँ की समस्त जनता को न्याय दिलाने में हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारे अधिवक्ता बंधु और हमारे न्यायाधिकारीगण इस भवन, जो भव्य भवन निर्माण बनके तैयार होगा, उसको सुचारू रूप से पूरी जनता के लिए एक कमिटमेंट करके और उनको इसका पूरा लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम कर्तव्य इस बात से हमारा ये कर्तव्य भी है और हम इस बात की शपथ लेते हैं कि इस भवन निर्माण के बाद जो हमारा कार्य शुरू संपादन होगा डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का, वो आम जन को उसके लास्ट उसकी बात तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।